हेलो फ्रेंड, एके इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं अनूप, ये आपको हम दिखा रहे हैं वॉशिंग मशीन का यूनिवर्सल पीसीबी है। इससे पहले भी हम इस पे वीडियो बनाए थे तो बहुत लोग बोलते हैं कि कनेक्शन करके बताइए, तो हम इसमें कनेक्शन करके वॉशिंग मशीन में तो नहीं बता सकते हैं, इस पे पूरा क्लियर कर देते हैं आपको कैसे कनेक्शन करना है। तो आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ डायग्राम भी आप देख सकते हैं, डायग्राम भी यहाँ पर बना हुआ, सेम डायग्राम हम सेम जैसा रखे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों को हम इसमें शॉर्ट कराए थे, डोर स्विच का है और ये तीनों जो जैक है सेंसर का है। तो तीनों जो जैक है आप देख सकते हैं, सेंसर में ये दोनों लेग जो है आपस में थोड़ा सा नज़दीक में और एक थोड़ा सा दूर में है। वैसे ही डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये सबसे कॉर्नर वाला दो ठो लेग है, ये नज़दीक में है, दूर में है। तो जो दूर में है थोड़ा सा इस साइड वाला, इस सबसे जो गैप जिधर दिख रहा है, देखिए इस दोनों में गैप है, फिर इसमें नज़दीक में है, तो गैप वाला जो है वो यहाँ पर जाएगा सेंसर का, इधर से तीसरा नंबर और इधर से फर्स्ट नंबर, फर्स्ट पे जाएगा, बीच वाला बीच में जाएगा। सेंसर का कनेक्शन पूरा क्लियर है। फिर एक बार बता देते हैं, आपका इधर सिग्नल लिखा हुआ, सिग्नल सिग्नल यानी ए वाला है, सबसे साइड वाला देख सकते हैं, इसमें स्पेस ज़्यादा है यहाँ पर और यहाँ कम है, बीच वाला जो है कॉमन, तो कॉमन की जगह में रहेगा। और इस स्विच को कुछ नहीं करना है, छेड़ना नहीं है। तीसरा नंबर, अब लाइन न्यूट्रल का कनेक्शन बताते हैं आपको। इसमें आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट में इधर से न्यूट्रल लिखा हुआ है और सबसे इधर लाइन लिखा हुआ है, तो सबसे पहला वाला जो है जैसे हम पीला वाला कनेक्शन किए हैं, सबसे पहला वाला में किए हैं, यह न्यूट्रल है, इनपुट या न्यूट्रल आउटपुट भी कर सकते हैं, न्यूट्रल इनपुट आउटपुट दोनों है, तो एक ही में शॉर्ट रहता है दोनों, कोई एक ठो में आप ले सकते हैं कनेक्शन को। तो यहाँ न्यूट्रल का हम इनपुट ले लिए हैं, अब लाइन का जो है ये देख सकते हैं, लाइन का ए वाला लिए हैं। अब बच गया, तो इसके बाद जो है न्यूट्रल आउटपुट आपको सेकेंड वाला, इधर से न्यूट्रल से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद एक सेकेंड देख सकते हैं अभी वाइट है, वाइट के बाद फिर येलो किया हुआ, येलो में यहाँ पर लिखा हुआ है एम, एम है यानी कि हो गया मोटर। तो ये वाला जो मोटर है एसी, ये वाला जो है ड्रेन मोटर का है, सबसे पहले न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल है, फिर ये वाला मोटर का है, ड्रेन मोटर, ब्राउन कलर जो कनेक्शन किए हैं ये ड्रेन मोटर में कनेक्शन है, समझिए। उसके बाद जो है ये वाला वाइट, सिल्वर वाइट है, ये वाला जो है, ये वाला आपका हो गया इनलेट बल्ब, आईवी, आईवी का मतलब हो गया इनलेट बल्ब। अब यहाँ मोटर का जो है लेफ्ट राइट, ये वाला इनलेट बल्ब का हो गया सिल्वर। अब यहाँ देख सकते हैं आप रेड और ब्लू है, रेड और ब्लू, रेड ब्लू, रेड ब्लू जो है मोटर का कनेक्शन होगा। अब बच गया सबसे साइड वाला, ए लाइन वाला है। तो आपको फिर से एक बार बता दें, एक नंबर लाइन इधर से, फिर मोटर का दोनों साइड का रेड और ब्लू है, फिर उसके बाद से वाइट है, ये वाला इनलेट बल्ब है, ये वाला जो है ड्रेन मोटर है, और ये जो साइड वाला दो ठो दिख रहा है ये न्यूट्रल का है, इसमें भी न्यूट्रल यहाँ बनाया हुआ है, यानी येलो जितना कनेक्शन किया हुआ है सारा फेस का है। फेस में सबसे फर्स्ट वाला इनपुट है, बाकी सब आउटपुट है, मोटर का फर्स्ट सेकेंड आउटपुट, फिर थर्ड वाला है जो इनलेट बल्ब है, फोर्थ वाला ड्रेन मोटर का है, और ये वाला जो है डीसी एसपी लिखा हुआ है, डीसी मोटर का है, तो इसको कनेक्शन नहीं करना है। बाकी इसका फुल कंप्लीट कनेक्शन हो गया, आपको एक बार अब इसको हैंडल करने का भी दिखा देते, इसमें इजी है, बाकी सब मशीन के जैसा ही है। इनलेट बल्ब का तो हम कनेक्शन अभी नहीं किए हैं,
पावर देकर के खाली दिखा देते हैं। देख सकते हैं सबसे इधर रेड है ऑरेंज वाला और इधर येलो वाला है, दोनों में हम पावर यहाँ दिए हुए हैं। अब इसमें लाइन दे देते हैं, हो गया। आप लोग अगर स्टार्ट कर दीजिएगा तो सीधा स्टार्ट भी ले लीजिएगा। हाई में लिया है, अब वाटर को कम बेसी कर सकते हैं आप। पहले इसको अब वाटर को जितना पहुँचाइए आप, कम बेसी करके आप स्टार्ट यहाँ से कर सकते हैं, प्रोग्राम भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो वीडियो हम बनाए इसीलिए, कनेक्शन इसमें पूरा क्लियर से बता दिए हैं, और आगे अगर हम वॉशिंग मशीन में कभी करते हुए भी बनाएंगे तो अगर मेरा चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सेंसर का फिर से एक और बता देते हैं, ये देख सकते हैं सेंसर में तीन में एक गैप ज़्यादा है, तो राइट साइड जो है इसमें गैप ज़्यादा है, ये दोनों नज़दीक है थोड़ा। इसे ही इसमें डाइग्राम में भी एक में गैप ज़्यादा दिया और ये दोनों नज़दीक दिया है। कॉर्नर तरफ जो है ये दोनों नज़दीक है, सबसे इधर वाला इसमें गैप है, तो ऐसे ही कनेक्शन गैप वाला को गैप के पास करना है, बीच वाला को बीच में, फिर इधर वाला को सबसे कॉर्नर में करना है कनेक्शन। अगर मेरा चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाला वीडियो आपको सब मिलेगा, और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।